देश में हर दिन कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रफ्तार तेज होती जा रही है। संकट बड़ा है। हथियार, सावधानी, मास्क और टीका ही है। दिल्ली, उत्तराखंड, कर्नाटक समेत 10 राज्यों में नाइट कर्फ्यू का दौर फिर से लौट आया है। केरल में 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू रहेगा। सरकार ने महामारी के नए खतरे को देखते हुए 15 से 18 साल के बच्चों के साथ 2 डोज ले चुके हेल्थ वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्गों को तीसरी डोज यानी कि प्रिकॉशन डोज देने को लेकर भी गाइडलाइन जारी कर दी है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव किशोरों को टीका देने को लेकर राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक भी करने वाले हैं। कोरोना महामारी से जुड़ी सभी अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 ओमिक्रॉन अलर्ट। देश में ओमिक्रॉन के मामलों में हर दिन इजाफा हो रहा है। सोमवार को देश भर में ओमिक्रॉन के 150 से ज्यादा नए मामले मिले। गोवा और मणिपुर में दस्तक देने के साथ देश के 21 राज्यों में ओमिक्रॉन फैल चुका है। देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 660 के पार पहुंच गई है, जिसमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 167, दिल्ली में 142, गुजरात में 73, केरल में 57, तेलंगाना में 55, कर्नाटक में 38, तमिलनाडु में 34, राजस्थान में 46 और MP में 9 मामले मिल चुके हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड में भी बीती रात से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। कल नाइट कर्फ्यू की पहली रात में देहरादून में पुलिस के आला अधिकारियों ने गाड़ियों को रोककर चेकिंग की और बिना मास्क वाले लोगों का चालान किया। नाइट कर्फ्यू के दौरान इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट दी गई है। उत्तराखंड में अब तक ओमिक्रॉन के 4 मामले मिल चुके हैं। कर्नाटक में आज रात से अगले 10 दिनों के लिए रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने फैसला किया है कि नए साल के जश्न पर भी कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक रेस्टोरेंट, पब, होटल और क्लब में क्षमता का 50% लोगों को ही जाने की इजाजत होगी। किसी भी आयोजन में एक जगह 300 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी होगी। देश में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार को देखते हुए दिल्ली समेत कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है। नए साल को लेकर बाजारों में जुट रही भीड़ की वजह से खतरा बढ़ रहा है। संक्रमण को रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को दिए निर्देश में कहा है कि वो अपने स्तर पर जरूरी पाबंदियां लगाए। राज्यों को जाँच और टीकाकरण बढ़ाने की भी सलाह दी गई है। केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज यानी प्रिकॉशन डोज देने को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। सभी लोगों को तीसरी डोज मुफ्त में मिलेगी। निजी अस्पतालों में भुगतान करके भी टीका लगवाया जा सकता है। 15 या उससे अधिक आयु के सभी लोगों को कोविन पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तीसरी प्रिकॉशनरी डोज के लिए वही लोग अप्लाई कर सकेंगे जिन्हें कोरोना की दूसरी डोज लगे हुए 9 महीने बीत चुके हैं। केंद्र सरकार की जारी गाइडलाइन के मुताबिक 3 जनवरी से देश में 15 से 18 साल के किशोरों को टीका लगाया जाएगा। इस आयु वर्ग वालों के लिए एक ही टीका कोवैक्सीन का ही विकल्प होगा। इसके साथ हेल्थ केयर वर्कर और 60 साल की ऊपर आयु वालों को 10 जनवरी से प्रिकॉशनरी डोज दिया जाएगा। वैसे बुजुर्गों को ही तीसरा टीका दिया जाएगा जिन्हें पहले से कोई गंभीर बीमारी ना हो। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन की तेज रफ्तार के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अगले 2 दिनों में टास्क फोर्स की बैठक बुलाने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को अपने अपने जिले में टीकाकरण तेज करने को कहा है। इस बीच BMC ने अधिकारियों से कहा है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन और उपलब्ध बेड की जानकारी लेने को कहा है। मुंबई में कल 809 कोरोना के नए संक्रमित मिले हैं। दिल्ली में बीती रात से नाइट कर्फ्यू शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें लाजपत नगर की हैं, जहां पुलिस की टीम गाड़ियों की चेकिंग कर बिना वजह बाहर निकलने वालों से पूछताछ करती दिखी। इस बीच दिल्ली में कल 24 घंटे में 331 कोरोना के नए मामले मिले हैं। एक दिन में इतने ज्यादा मामले 6 महीने बाद आए हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए जल्द ही येलो अलर्ट जारी हो सकता है। येलो अलर्ट लागू होने के बाद लॉकडाउन जैसी पाबंदियां भी लग सकती हैं। राज्यों को केंद्र की ओर से जारी गाइडलाइन के बावजूद पश्चिम बंगाल में कोरोना को काबू करने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है। कोलकाता के बाजारों में रोजाना लापरवाहों की भीड़ दिखती है। सख्त पाबंदी नहीं लगाने को लेकर BJP ने ममता सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। TMC का कहना है कि हालात की समीक्षा की जा रही है। पश्चिम बंगाल में कल कोरोना के 439 नए केस मिले हैं, जबकि ओमिक्रॉन के भी 6 केस आ चुके हैं। चुनाव कराने को लेकर फैसला लेने से के लिए आज से चुनाव आयोग की टीम यूपी का दौरा करने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह आज कहां कहां जनसभाओं को संबोधित करेंगे। BJP अध्यक्ष JP नड्डा की आज कहां पर होगी सभाएं और किसने कहा जल्द लगेगा उत्तराखंड में BJP को झटका। देश में जारी राजनीतिक घमासान से जुड़ी सभी अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 सियासी संग्राम। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की एक टीम आज से 3 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंच रही है। इस दौरान निर्वाचन आयोग की टीम प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ साथ सियासी दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा करेगी और उनसे चुनाव से संबंधित फीडबैक लेगी। इसी के आधार पर आयोग चुनाव कराए जाने को लेकर फैसला लेगा। CEC 30 दिसंबर को इसे लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। आयोग ने केंद्र सरकार से ओमिक्रॉन को लेकर रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद जनवरी के पहले हफ्ते में एक बार फिर से आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच बैठक होगी। इस बैठक के बाद ही आयोग चुनाव कराने को लेकर फैसला लेगा। बीजेपी के प्रचार के तहत केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज यूपी के 3 जिलों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। शाह आज दोपहर 12 बजे हरदोई के जीआईसी मैदान में, दोपहर 2 बजे सुल्तानपुर के आवास विकास मैदान में और शाम करीब 4 बजे भदोही के विभूति नारायण राज के इंटर कॉलेज मैदान में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज अपनी विजय यात्रा लेकर उन्नाव पहुंचेंगे। अखिलेश यहां उन्नाव, सफीपुर, बांगरमऊ और मोहन चार विधानसभाओं में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अखिलेश के कार्यक्रम को लेकर यहां के एसपी कार्यकर्ता जोश में हैं और रैलियों को सफल बनाने की तैयारियों में जुटे हैं। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में 100 ब्राह्मणों को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारेगी। इनमें बड़ी संख्या में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटें होंगी। समाजवादी पार्टी पिछले काफी समय से बीजेपी पर ब्राह्मणों को उपेक्षित करने का आरोप लगा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाहुबली और पूर्व विधायक श्री भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित जल्द ही समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। पार्टी उन्हें बुलंदशहर की शिकारपुर विधानसभा सीट से टिकट दे सकती है। जानकारी के मुताबिक गुड्डू पंडित समाजवादी पार्टी के दिल्ली कार्यालय में साइकिल पर सवार होंगे। वो बुलंदशहर की डबाई विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके हैं। यूपी के लखनऊ में कांग्रेस को इजाजत नहीं मिलने के बावजूद आज महिला मैराथन का आयोजन करने जा रही है। पार्टी ने लखनऊ के एकाना स्टेडियम से मैराथन के आयोजन का ऐलान किया है। प्रदेश कांग्रेस के मुताबिक लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के साथ आज एकाना स्टेडियम में मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि बीजेपी के अंदर जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है और जल्द ही उन्हें कई बड़े झटके लगने वाले हैं। राज्य में बीजेपी का जादू खत्म हो गया है, इसलिए कई बीजेपी नेता कांग्रेस में शामिल होने के लिए कतार में हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार कोरोना के नाम पर चुनाव को टालने की कोशिशें कर रही है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब पुलिस पर दिए बयान की निंदा की है। अकाली दल ने भी सिद्धू से इस मामले में माफी की मांग की है। उधर चंडीगढ़ पुलिस के डीएसपी दिलशेर सिंह चंदेल ने पुलिस को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर सिद्धू को मानहानि का नोटिस भी भेजा है। हालांकि सिद्धू पहले ही इसे कहावत बता चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे कानपुर का दौरा, मेट्रो का करेंगे उद्घाटन। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कानपुर कन्नौज की रेड, कितने की काली कमाई उजागर हुई। कौन बनेगा देश का अगला उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शौर्य चक्र विजेता सीआरपीएफ अफसर ने क्यों नौकरी से दिया इस्तीफा। देश की बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र की बात। पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश के कानपुर का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम कानपुर मेट्रो के नवनिर्मित सेक्शन और बिना पन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले पीएम करीब 11 बजे आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। अपने दौरे को लेकर पीएम ने ट्वीट कर कहा है कि कानपुर में शुरू किए जा रहे विकास कार्यों से शहर के बुनियादी ढांचे में सुधार होगा और लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के खिलाफ कानपुर कन्नौज में जीएसटी और आईटी की छापेमारी में अब तक करीब 211 करोड़ 65 लाख की संपत्ति जब्त की जा चुकी है, जिसमें 194 करोड़ 45 लाख कैश, करीब 23 किलो सोना और करीब 6 करोड़ की कीमत का चंदन का तेल बरामद किया है। कन्नौज में घर पर जांच एजेंसियों की छापेमारी की कार्रवाई अब भी जारी है। जांच एजेंसियों के रडार पर आए इत्र व्यापारी पीयूष जैन के कन्नौज के पैतृक घर से एक गोदाम का वीडियो सामने आया है। इसी गोदाम में पीयूष जैन ने करोड़ों की नकदी के साथ ही सोना चांदी छुपा रखा था। इसके अलावा आयकर विभाग की टीम को यहां से कई जरूरी दस्तावेज भी मिले हैं। वहीं सोमवार को पीयूष जैन को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में बढ़ते नारकोटिक्स के मामले पर काबू पाने के लिए सोमवार देर शाम नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक ली। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें सभी राज्य के डीजीपी के अधीन डेडिकेटेड एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन और राष्ट्रीय स्तर पर एनसीबी के अंतर्गत केंद्रीय एनकॉर्ड इकाई के गठन प्रमुख हैं। चीन संबंधी मामलों के विशेषज्ञ और बीजिंग में राजदूत रहे विक्रम मिश्री को देश का डिप्टी एनएसए बनाया गया है। मिश्री साल 1989 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में मिश्री मौजूदा डिप्टी एनएसए पंकज सरन की जगह लेंगे। सरन 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। प्रदीप कुमार रावत को चीन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है।
दिल्ली में नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर हड़ताल कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर बीती रात सरोजनी नगर थाने से वापस सफदरजंग अस्पताल पहुंचे। आज सुबह 8 बजे से डॉक्टर फिर प्रदर्शन शुरू करेंगे। इससे पहले कल पुलिस से झड़प के बाद कई डॉक्टर्स को हिरासत में ले लिया गया था। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि सरकार का फूल बरसाना दिखावे का पीआर था, असलियत में अन्याय बरसा रहे हैं। जबकि प्रियंका ने कहा कि डॉक्टरों को झूठा पीआर नहीं, सम्मान और हक चाहिए। नीति आयोग ने कोरोना के खतरे के बीच सालाना हेल्थ इंडेक्स जारी किया है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में बड़े राज्यों में केरल पहले स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन बेहद खराब है। वहीं छोटे राज्यों में मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाएं सबसे अच्छी है। नीति आयोग ने विश्व बैंक और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की सहायता से ये रिपोर्ट तैयार की है। राजस्थान में भर्तियों में हो रहे विवादों से आहत होकर सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट विकास जाखड़ ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। जाखड़ को 2016 में नक्सलियों को करारा जवाब देने के लिए राष्ट्रपति की ओर से शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिखे अपने खत में उन्होंने युवाओं के भविष्य के साथ लगातार हो रहे खिलवाड़ से अपने को काफी आहत बताया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज हरियाणा में मनोहर कैबिनेट के विस्तार में किसे मिलेगा मौका। कोयंबटूर से सामने आई सड़क हादसे की भीषण तस्वीर। कहां चला सीएम योगी का हंटर, गैंगस्टर की 30 लाख की संपत्ति जब्त। और कहां कहां हुई बर्फबारी के बाद पहुंचे सैलानी। राज्यों से जुड़ी सभी खबरें देखिए टॉप 9 राज्य विशेष। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार का आज कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। आज शाम 4 बजे हरियाणा राजभवन में नए मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। जिन लोगों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें टोहाना सीट से विधायक जेजेपी से देवेंद्र सिंह बाली, जबकि बीजेपी की ओर से पंचकुला सीट से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता और हिसार से विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता का नाम शामिल है। बिहार के पटना में बकाया वेतन और नौकरी स्थायी करने की मांग को लेकर 15 दिसंबर से धरने पर बैठे वार्ड सचिवों ने सोमवार को बीजेपी के प्रदेश कार्यालय का घेराव किया। कई घंटे समझाने के बाद भी जब वार्ड सचिव नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन से पानी की बौछार की। इस दौरान करीब 1 घंटे तनाव के हालात बने रहे। तमिलनाडु के कोयंबटूर में एक ट्रक के बस को टकराने की वजह से हुए सड़क हादसे में कई लोग घायल हो गए। मिट्टू पलायम के पास एक ट्रक ने बस को सीधे टक्कर मार दी, जिसकी वजह से बस दूसरी तरफ पलट गई। हादसा सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। दुर्घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने घायलों को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल पहुंचाया। उत्तर प्रदेश के बागपत में आतंक का पर्याय बन चुके यशवीर उर्फ जसवीर पर सोमवार को योगी सरकार का हंटर चला। बागपत पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत जसवीर की करीब 30 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की संपत्ति कुर्की। जसवीर पर बागपत, मेरठ और मुजफ्फरनगर में करीब 20 मुकदमे दर्ज हैं। बागपत पुलिस के मुताबिक ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने सुल्तानपुर से सोमवार को अंतर्राज्यीय स्तर पर कछुओं की तस्करी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनके पास से दुर्लभ प्रजाति के कछुओं की करीब 80 किलोग्राम कैलिपी बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वो प्रदेश के कई जिलों से कछुओं की झिल्ली खरीद कर पश्चिम बंगाल में ऊंचे दामों पर बेचते थे। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में मशहूर तेलुगु सिंगर मंगली को अपने फैंस की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा। एक शादी में शामिल होने पहुंची मंगली को उनके प्रशंसकों ने घेर लिया, जिसके बाद उनके साथ सेल्फी लेने के लिए होड़ मच गई। काफी देर बाद वो किसी तरह अपनी कार तक पहुंची और वहां से चली गई। जम्मू कश्मीर में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है। ये तस्वीरें गांदरबल की है, जहां बर्फ की बारिश हो रही है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। टूरिस्ट की पसंदीदा जगह अनंतनाग के पहलगाम में सैलानी बर्फ का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बर्फबारी की भविष्यवाणी भी की है। गुलमर्ग में भी सैलानियों की भारी भीड़ है। बर्फ की सफेद चादर से ढके गुलमर्ग में सैलानी आइस स्केटिंग का भी लुत्फ उठा रहे हैं। नए साल का जश्न मनाने के लिए सैलानी पहाड़ों की ओर पहुंच चुके हैं। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में इन दिनों हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। क्रिसमस से पहले ही यहां पहुंचने वाले सैलानी बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। यहां देश के कोने कोने से सैलानी पहुंचे हैं। सैलानियों की बढ़ती तादाद से होटल कारोबारी भी खुश है। राजस्थान के भरतपुर में आजकल एक साथ निकाली दूल्हा दुल्हन की अनोखी बारात की चर्चा है। इसके तहत दूल्हा दुल्हन दोनों एक साथ बग्गी में बैठकर निकले और मैरिज हॉल पहुंचकर शादी रचाए। लोगों का मानना है कि ऐसा कर महिला पुरुष के एक समान होने का संदेश दिया गया। खाद्य तेलों की कीमतों पर राहत की खबर क्या है। चीनी एल्युमिनियम पर एंटी डंपिंग शुल्क क्यों। भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्क से कितनी राहत। और महिंद्रा का इलेक्ट्रिक वाहनों वाला प्लान क्या है। बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग और आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी सभी खबरें देखिए मनी 9।
खाद्य तेल कंपनी अडाडी मिल मरुची सोयन अपने उत्पादों की कीमतों में 10 से 15% कटौती की है। इससे महंगे तेल से थोड़ी राहत मिलेगी। अडाडी बिल्मर के फॉर्च्यून ब्रांड, रुचि सोया के महाकोश, सनरिच, रुचि गोल्डन न्यूट्रेला ब्रांड, इमामी के डालडा, गगन, चंबल ब्रांड्स और जेमिनी के फ्रीडम सनफ्लावर ऑयल्स ब्रांड्स के दाम कम हुए हैं। एयरलाइंस कंपनी स्पाइसजेट ने वाओ विंटर सेल की शुरुआत की है। इसमें एक तरफ का हवाई टिकट सिर्फ 1122 रुपए में मिलेगा। वाओ विंटर सेल 27 दिसंबर से शुरू हो चुकी है जो 31 दिसंबर तक चलेगी। आप 1122 रुपए में चेन्नई, बेंगलुरु, जम्मू, श्रीनगर, चेन्नई, हैदराबाद जैसे घरेलू डेस्टिनेशन की यात्रा कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने चीन से डंप किए जाने वाले एल्युमिनियम के कुछ फ्लैट रोल्ड उत्पाद सोडियम हाइड्रोसल्फेट, सिलिकॉन सिलेट, हाइड्रोफ्लोरेट कार्बन कंपोनेंट R32 और हाइड्रोक्लोरोकार्बन मिश्रण पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है। ये कदम भारत में बने प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी से कंपनियां राजस्व बढ़ने से सकारात्मक दृष्टिकोण अपना रही हैं। इससे नए साल में रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। कर्मचारियों के फिर से दफ्तर लौटने की प्रवृत्ति जोर पकड़ रही है और कंपनियां अपनी भर्ती योजनाओं को लेकर काफी आशावान हैं। सरकार ने वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए एक नई भारत सीरीज की शुरुआत की है। इससे होगा ये कि जब वाहन मालिक एक राज्य से दूसरे राज्य में रहने जाएगा तो उसे गाड़ी के नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। ये सुविधा उन कर्मचारियों को मिलेगी जिनके ऑफिस 4 या उससे ज्यादा राज्यों में हैं। RBL बैंक के ग्राहकों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है। RBI के मुताबिक RBL बैंक के पास पर्याप्त पूंजी है और उसकी वित्तीय स्थिति संतोषजनक है। ऐसे में भ्रामक खबरों के आधार पर जमाकर्ता और अन्य हितधारक ना घबराएं। RBL का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 16.33% और प्रोविजन कवरेज रेशियो 76.6% है। सेबी बोर्ड मीटिंग की आज होने वाली बैठक में IPO से जुड़े बड़े सुधारों को मंजूरी दे सकता है। इसमें नई स्टार्टअप कंपनियों के अज्ञात अधिग्रहण के लिए IPO पेशकश में जुटाए गए धन के उपयोग पर प्रतिबंध, IPO में एंकर निवेशकों के लिए लॉक इन अवधि को बढ़ाने और IPO राशि की निगरानी जैसे सख्त नियम शामिल है। महिंद्रा इलेक्ट्रिक अपनी उत्पादन क्षमता दोगुना करने की योजना पर काम कर रही है। कंपनी अपने 3 और 4 व्हीकलर इवो पोर्टफोलियो में आधा दर्जन नए मॉडल भी जोड़ने जा रही है। कंपनी इसके लिए 300 करोड़ रुपए का निवेश करेगी जिससे कंपनी की बिक्री अगले साल डबल होने की उम्मीद है। LIC के IPO का बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। कंपनी की मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सेबी के पास इस IPO से जुड़े ड्राफ्ट दस्तावेज अगले महीने जमा होने की पूरी संभावना है। जानकारों ने जनवरी मार्च 2022 में LIC के IPO के खुलने की उम्मीद जताई है। मनी लाइन की खबरों के लिए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर @MoneyLineLive को फॉलो करें तो मनी लाइन के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगले सेगमेंट का रुख करते हैं। बांग्लादेश के जरिए चीन भारत के खिलाफ कैसी साजिश रचने की तैयारी कर रहा है? म्यांमार को चीन ने क्यों दिए सबमरीन? भारत दौरे से पहले नेपाल कैसे चीन को बड़ा झटका देने की योजना पर काम कर रहा है? और धार्मिक कट्टरता और तालिबानी सोच का समर्थक पाकिस्तान को क्यों अपनी बर्बादी के दिन दिख रहे हैं? इमरान के मंत्री ने क्यों कहा कि ऐसा पाकिस्तान जिन्ना भी नहीं चाहते थे? चीन पाकिस्तान की साजिशों से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखिए Top 9 चीन पाक साजिश। पाकिस्तान के ग्वादर में स्थानीय लोगों के भारी विरोध के बीच चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे चीन की नजर बांग्लादेश के सबमरीन बेस पर है। चीन बांग्लादेश के जरिए समंदर में भारत को घेरने की फिराक में है। भारतीय खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक चीन अपने इस्तेमाल के लिए बांग्लादेश के शेख हसीना सबमरीन बेस को विकसित कर रहा है। चीन बांग्लादेश को हथियार देकर उसे अपनी जाल में फंसा रहा है। म्यांमार में लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट करने वाली वहां की सेना चीन की साजिशों का आसानी से शिकार हो रही है। म्यांमार की सेना ने चीन से मिंग क्लास टाइप 035 की एक परंपरागत पनडुब्बी खरीदी है। म्यांमार की सेना ने इस चीनी पनडुब्बी को अपनी नौसेना में शामिल कर लिया है। इससे पहले म्यांमार की लोकतांत्रिक सरकार ने भारत से पनडुब्बी खरीदी थी। म्यांमार में चीन की बढ़ती दखल से बंगाल की खाड़ी में भारत के लिए खतरा बढ़ सकता है। 10 जनवरी को भारत के दौरे पर आने से पहले नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा चीन को बड़ा झटका देने की तैयारी में जुटे हैं। देउबा ने कहा है कि अमेरिकी मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन का 50 करोड़ डॉलर की मदद की पेशकश नेपाल के हित में है। चीन अमेरिकी प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करने के लिए नेपाल सरकार पर दबाव बना रहा था। चीन बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के जरिए नेपाल को कर्ज के जाल में फंसाने की साजिश रच रहा है। चीन ने एक बार फिर अमेरिका को बड़ी चेतावनी दी है। चीन ने कहा है कि वो टूट से पहले वाले रूस की तरह कोल्ड वॉर में नहीं हारेगा। चीन ने ये चेतावनी अमेरिका में चीनी राजदूत क्विन गांग ने अमेरिका के वरिष्ठ पत्रकारों को दिए एक इंटरव्यू में दिया है। चीनी राजदूत ने कहा है कि अमेरिका के कुछ बड़े लोगों की मानसिकता कोल्ड वॉर वाली है। चीन ने इससे पहले मौजूदा तनाव के लिए अमेरिका की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया था।
अपनी विस्तारवादी नीतियों को लेकर घिरा चीन अब दुनिया के लिए परमाणु खतरा भी बढ़ा रहा है। चीन की नई साजिशों को लेकर भारत, जापान समेत कई देशों को सतर्क रहने की जरूरत है। जिनपिंग के राज में चीन लगातार परमाणु क्षमता बढ़ा रहा है। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने पहले 2030 तक चीन के ऐसे 400 हथियारों की तैनाती का अनुमान लगाया था, जो उसने बढ़ाकर 1000 कर दिया है। इमरान खान सरकार में मंत्री फवाद चौधरी ने तालिबान को कोसते कोसते जिन्ना को लेकर आज के पाकिस्तान का सच बयां कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि जिन्ना भी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान धार्मिक देश बने। उन्होंने कहा कि जिन्ना की सोच से आज का पाकिस्तान बिल्कुल अलग है। रूढ़िवादी सोच पाकिस्तान को पतन की ओर ले गई। ऐसी सोच से कोई भी मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। दुनिया भर में तालिबान की सरकार को मान्यता दिलाने के लिए कूटनीतिक चाल चलने वाला पाकिस्तान अचानक तालिबानी सोच और उसके फैसले के खिलाफ होने लगा है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं के अकेले यात्रा पर रोक लगाने के तालिबान के फैसले की तीखी आलोचना की है। फवाद चौधरी ने कहा कि महिलाओं को लेकर तालिबान की पतनशील सोच पाकिस्तान के लिए भी खतरा है। लंदन में रह रहे पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ के देश वापसी की खबरों ने इमरान खान की नींदें उड़ा दी हैं। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में नवाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा के बीच डील होने की खबरें चल रही हैं। हालांकि इमरान खान सरकार में गृह मंत्री शेख रशीद ने नवाज पर तंज कसते हुए कहा कि अगर वो लंदन से लौटना चाहते हैं तो वो टिकट भेज देंगे। रशीद ने दावा किया कि इमरान सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। पाकिस्तान ने 2022 से 2026 तक के लिए अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। पीएम इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान की सुरक्षा में ही यहां के नागरिकों की सुरक्षा निहित है। पाकिस्तान बनने के बाद पिछले 70 सालों में पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को मंजूरी दी है। पाकिस्तान की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में आर्थिक सुरक्षा को केंद्र में रखा गया है। तालिबान के खिलाफ काबुल की महिलाओं ने क्यों खोला मोर्चा? ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर सुलह और समाधान कराने में जुटे हैं दुनिया के 5 देश। चीन किस स्पेस मिशन पर काम कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग कब बुझेगी? दुनिया भर की अहम खबरें जानते हैं टॉप 9 ग्लोबल न्यूज। अफगानिस्तान की महिलाओं ने राजनीति में भागीदारी, काम की आजादी और शिक्षा के अधिकार की मांग को लेकर काबुल में महिलाओं के संगठन ने तालिबान की नीतियों का विरोध जताया। महिलाओं ने कहा कि तालिबान की नीतियों को इंसानियत के खिलाफ बताया। तालिबान ने पहले लड़कियों की शिक्षा की वकालत की थी, लेकिन कई प्रांतों में लड़कियों की कक्षा 6 के बाद स्कूल जाने की इजाजत नहीं है। 2015 के न्यूक्लियर समझौते को आगे बढ़ाने के लिए ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थों के जरिए बातचीत हुई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि वियना में होने वाली बातचीत से पहले अमेरिका के साथ उसकी अप्रत्यक्ष रूप से बातचीत हुई है। तेहरान और अमेरिकी प्रतिनिधियों के बीच यूरोपीय संघ के वार्ताकार एंड्रिक मोरा के जरिए बातचीत के मसौदों को लेकर दस्तावेजों का आदान प्रदान भी हुआ है। वियना में न्यूक्लियर समझौते को लेकर सोमवार से शुरू हुई बातचीत से पहले ईरान ने एक बार फिर कच्चे तेल के निर्यात की इजाजत देने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री का कहना है कि अमेरिका तेल निर्यात को लेकर अपने वादे पर अमल नहीं करता। यूरोपीय संघ के वार्ताकार एंड्रिक मोरा ने कहा कि इस मसले का हल निकालना मौजूदा वक्त की जरूरत है। जर्मनी, फ्रांस, रूस, चीन समेत 5 देश इस मुद्दे पर मध्यस्थता कर रहे हैं। चीन अपने स्पेस मिशन को लेकर लगातार नए नए प्रयोग कर रहा है। चीन इन दिनों अत्याधुनिक लंबी दूरी के बहुउद्देशीय भारी रॉकेट करियर को लेकर परीक्षण और रिसर्च कर रहा है। इसके जरिए चंद्रमा पर इंसानों की भी लैंडिंग की जा सकेगी। नई पीढ़ी का ये लॉन्चिंग करियर एक समय में 150 टन वजनी यान को अंतरिक्ष में भेजने में सक्षम होंगे, जिससे चीन के महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशनों को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ से 55 किलोमीटर दूर जंगलों में भयंकर आग लगी हुई है। फायर फाइटर टीम ने जंगल के कुछ हिस्सों में लगी आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पा लिया है। इस आग से कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। आग लगने वाली जगह के आसपास रहने वाले लोगों को घर खाली करने को कहा गया है। आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। एक साल पहले भी यहां ऐसी ही आग लग गई थी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।